बलिया के टीडी कॉलेज के धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री ओम प्रकाश। राजभर फिर से विवादित बयान दिए। मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम भाजपा से नाराज है और मौका पड़ेगा तो नोटा नहीं नेटुआ यानी गला दबाएंगे। बीजेपी चाहेगी तभी साथ रहेंगे। अमित शाह से गठबंधन के समय आरक्षण देने की बात हुई थी लेकिन अति पिछड़ा सामाजिक कमेटी के अनुसार आरक्षण को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है और मार्च में अधिसूचना भी जारी हो जाएगी, इसलिए हमारी पार्टी ने धरना देने की तैयारी की है। मंत्री जी, आज आपने एक बड़ा बयान दिया है कि आप जो है 24 तारीख से जो है आप धरना करने जा रहे हैं। 27 आरक्षण को लेकर धरना करने जा रहे हैं, क्या है पूरा आपका? देखिए, 2017 के चुनाव में माननीय अमित शाह जी से जो गठबंधन में तय हुआ है उस आधार पे सरकार बनने के बाद 27% आरक्षण की जो सामाजिक न्याय समिति माननीय राजनाथ सिंह जी ने बनाई थी, तीन कैटेगरी बनाने की जो सिफारिश थी, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, उसको लागू करने की बात तय हुई। फिर 20 मार्च को दिल्ली में अमित शाह जी ने कहा कि चुनाव के 6 महीना पहले हम लागू कर देंगे। फिर 11 अप्रैल को जब लखनऊ आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी थे, मैं था, प्रदेश के अध्यक्ष थे भाजपा के, वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राणा अजीत प्रताप सिंह जी थे। ये तय हुआ कि 6 महीना पहले हम कर देंगे, आप मत कुछ बोलिए। हम नहीं बोले उस पर, कुछ और बहुत सी चीज़ें तय हुई थी उसमें एक भी काम नहीं हो पाया। तो इधर अब तो मार्च के पहले सप्ताह तक सूचना जारी होने जा रही है और दिसंबर का आखिर सेकेंड वीक चल रहा है, आधा दिसंबर बीत गया, 2 महीना और बचा है। तो ऐसा प्रतीत होता है जो अति पिछड़ा सामाजिक कमेटी की जो रिपोर्ट आई हुई है वो रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में रखने की तैयारी है। इस बात को लेके 24 दिसंबर से क्रमिक अनशन उत्तर प्रदेश के 75 जिले में, जो अति पिछड़ा सामाजिक कमेटी की रिपोर्ट है, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, उसको लागू करने के लिए क्रमिक अनशन भारतीय समाज पार्टी 75 जिले